आज की क्लास में हम पीएचपी का इंस्टॉलेशन देखेंगे। पीएचपी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैम्प सर्वर, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर पर दो स्क्रीन ओपन हुई है और राइट साइड में जो ओपन है वो जैम्प का कंट्रोल पैनल है। जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर और इसका कंट्रोल पैनल है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी सर्वर को जो है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं क्रोम का ब्राउजर ओपन है और ये सेल्फ यानी कि लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। इसके बदले आप लोकल होस्ट वर्ल्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर गूगल की आईपी एड्रेस टाइप करेंगे तो आपका जो क्रोम है थ्रू इंटरनेट गूगल के सर्वर के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और वहां से डेटा ला करके आपको यहाँ दिखाएगा। लेकिन अगर डेटा आपके कंप्यूटर पर है यहाँ पर और आप यहीं पर देखना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपका क्लाइंट भी यही मशीन है और सर्वर भी यही मशीन है। तो आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर 127.0.0.1 लिखा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है और यहाँ पर कोई भी जो आपके पेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके बदले आप लोकल होस्ट वर्ल्ड को भी लिख सकते हैं। तो आप लोकल होस्ट लिखते हैं तो भी 127 पॉइंट लोकल होस्ट आईपी एड्रेस यही है। ये रिजर्व आईपी होती है, इस आईपी को कोई ले नहीं सकता, ये लोकल होस्ट के लिए रिजर्व की गई है। अब देखिए मैं यहाँ से इस सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा कुछ कमांड्स यहाँ से रन होते हैं और ये ग्रीन हो गया, यानी कि ये सर्वर जो है वो रेडी है सर्विसेज देने के लिए। अब मैं यहाँ पर आके रीलोड करता हूँ, देखिए रीलोड होगा और ये जो है सर्विस देने लग गया, यहाँ पर एक पेज लोड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है, सर्वर के पास डेटा है, हम यहाँ पर सिर्फ पेज देख पा रहे हैं, उसका कोड नहीं देख पाएंगे या उसकी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग हम नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज लोड हो गया है और जैसे ही मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे कि ये लोड फिर से रिफ्रेश हो गया है। और रिफ्रेश होने के बाद मैं इस सर्वर को बंद कर देता हूँ, ये सर्वर को मैंने बंद कर दिया। सर्वर को बंद होने के बाद जब दोबारा मैं यहाँ पर लोड करूंगा तो फिर वो लोड नहीं होगा। ये चीज आपको डिस्प्ले कर रही है कि एक ही कंप्यूटर में सर्वर है और एक ही कंप्यूटर में क्लाइंट है। तो जब भी कोई सर्वर डाउन होता है तो इस तरीके से या तो सर्वर इतना हैंग हो जाता है या इतना बिजी हो जाता है कि क्लाइंट को वो सर्विस नहीं दे पाता, तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेज डिस्प्ले हो रहा है वो इस कंट्रोल पैनल के थ्रू हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है कि क्या डिस्प्ले होगा और क्या डिस्प्ले नहीं होगा, कब होगा, ये सर्विस दे रहा है इसको। अब एक्चुअल में जब काम होता है तो ये राइट साइड वाला जो हिस्सा है किसी दूसरे कंप्यूटर पर यानी कि सर्वर मशीन पर होता है और ये वाला हिस्सा हमारे कंप्यूटर पर या हमारी मशीन पर होता है और इन दोनों के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सर्वर का आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। उस आईपी एड्रेस के थ्रू और इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा इस मशीन से इस मशीन पर ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर इसका जो आईपी एड्रेस है वहां से इस मशीन पर थ्रू इंटरनेट और आईपी एड्रेस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। अब ये सर्वर मान लीजिए यूएसए में रखा हुआ है और आप यहाँ पर इंडिया में उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यूएसए का कोई मशीन वहां से जो डेटा है आपकी मशीन तक पहुंचता है और इसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। यानी टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा लाखों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर से आपके कंप्यूटर पर थ्रू इंटरनेट पहुंचता है। और इंटरनेट के थ्रू कैसे पहुंचता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टेंशन है। हमको सिर्फ उस कंप्यूटर का आईपी देना है और उस कंप्यूटर के आईपी के साथ हम टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं और हमारे तक डेटा पहुंच जाता है। बाकी सारा जो हार्डवेयर का जो टेंशन है वो सर्विस प्रोवाइडर का होता है। यहाँ पर हम टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आईपी है वो हमारी लोकल होस्ट की आईपी है, सेम हमारी आईपी है, तो हम अपनी आईपी ना लिख करके सेल्फ के लिए लोकल होस्ट लिखते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ पर सर्वर स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करते साथ ही देखिए ये पोर्ट आईडी जनरेट करता है और जितने बार भी हम करेंगे पोर्ट आईडी चेंज होती रहती है, हम फिक्स भी कर सकते हैं। अब जब मैं लोड करूंगा तो देखिए ये लोड हो गया, क्लियर।
इस पेज को बड़ा करता हूँ, ये डैशबोर्ड है और डिफॉल्ट पेज होता है, और यहाँ पर पीएचपी का एडमिन पैनल भी आपको मिलता है। आप देखिए पीएचपी का एडमिन पैनल आपको मिल रहा है, और एसक्यूएल को एक्सेस करने की फैसिलिटी अभी आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने एसक्यूएल माई एसक्यूएल जो है उसको स्टार्ट नहीं किया। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ये भी स्टार्ट हो गया है, ये दोनों को हमने स्टार्ट कर दिया है, और देखिए ये अलग पोर्ट नंबर पे चल रहा है और ये अलग पोर्ट नंबर पे चल रहा है। क्लियर है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पोर्ट नंबर 80, आपको पता है कि HTTP का पोर्ट नंबर जो है वो ये होता है, हमेशा 80 होता है। अगर आप कोई FTP यूज कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर उसका होता है 20 और 21, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट यूज होते हैं। तो मैं फिर यहाँ पर बैक करता हूँ, तो ये आपका डैशबोर्ड है, और बड़ा करता हूँ यहाँ पर PHP एडमिन को, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये एक्सेस मिल गया मुझे, MySQL का एक्सेस है ये, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये एक्सेस हमको नहीं मिल रहा था क्योंकि ये इसका जो MySQL का जो सर्वर है वो बंद करके रखा गया था। क्लियर? यानी कि आप जब यहाँ पर कोई रिजल्ट भेजते हैं, कोई टेस्ट का रिजल्ट भेज रहे हैं, तो डेटा हमारे पास यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर पे इस तरीके से स्टोर होता है, पूरा दिखाई देता है यहाँ पर। ये सेम उसी तरीके से काम होता है जैसा आप अटेंडेंस देते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, आप वहां पर अटेंडेंस देते हैं और आपका डेटा यहाँ पर आगे कंप्यूटर पर दिखाई देता है। क्लियर? तो हम फिर से डैशबोर्ड में जाते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने पीएचपी के कंपाइलर की बात करते हैं। तो जो हमारा डैशबोर्ड है, तो आप देखेंगे कि लोकल होस्ट के साथ यहाँ पर हम कोई अपने वेब पेज को कैसे होस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है होस्ट करने की, तो होस्ट करना काफी आसान होता है। अगर मैं अपना एक प्रोग्राम आपको दिखाऊं जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था, ये वाला प्रोग्राम, और इसको हम एडिट करके देखते हैं कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है। इसमें ऑन क्लिक का कुछ लिखा हुआ है कोड, ठीक है, इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट लगाए गए हैं। सर वॉइस कट हो रहा है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है। तो जब हम कोई